हाय वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आई एंड ओ क्या होता है इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को तो आइए देखते हैं आई टी एम वर्सेज ओ टी एंड ओ ये एक कॉन्सेप्ट है ऑप्शन चेन का ठीक है उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करना पड़ेगा उसके लिए हम जाते हैं एन के वेबसाइट पर तो यस हम हम एन के न्यू वाले वेबसाइट पर जाएंगे राइट यहाँ पे मेन्यू वाला वेबसाइट पे आपको बता रही हूँ हम इसमें जाएंगे फिर डेरिवेटिव्स में पहले से डेस्कटॉप से आए ओके तो यहाँ पे मैं जाती हूँ डेरिवेटिव्स में फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम आ, निफ्टी ओके okay? मैं निफ्टी निफ्टी फिफ्टी का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी आपको ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन हमने ओपन किया हम यहाँ से, से मैं इसे डेस्कटॉप व्यू में आपको कन्वर्ट तो ये ओपन होगी हमारे निफ्टी फिफ्टी की ऑप्शन चेन क्या आपको समझ गया होगा हमें पहले एन एस सी के वेबसाइट पर जाना है फिर वहाँ से डेरिवेटिव सिलेक्ट करना है डेरिवेटिव डेरिवेटिव के अंदर से हमें सिलेक्ट करना है जो भी आपको स्टॉक अगर आप स्टॉक में करना है आप स्टॉक स्टॉक से भी आप सर्च कर सकते हो अगर आपको इंडेसेस में करना है तो आप इंडेसेस पर वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो हमने सेलेक्ट किया निफ्टी फिफ्टी फिर वहाँ से हम गए ऑप्शन चेन पे अब ये ओपन हो गया है हमारा ऑप्शन चेन इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा कॉल्स एंड राइट हैंड साइड में आपको दिखेंगे right पुट ओके okay? आप ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग कर सकते हो एंड ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो आप ऑप्शन बाय कॉल ऑप्शन बाय पुट दोनों भी कर सकते हो कॉल पुट ओके तो यहाँ पे आप बाय करते हो पुट hmm? भी आप बाय कर सकते हो और पुट जो कि आप सेलिंग भी कर सकते हो और ऑप्शन सेलिंग आप कॉल्स में भी कर सकते हो दोनों में दोनों में भी कर सकते हो ओके okay? तो यहाँ पे आपको दिखाया हो दे रहा होगा कॉल पुट और बीच में जो है ये है स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक प्राइस जान जैसे कि हमारे यहाँ निफ्टी चल रही है फिफ्टीन फाइव नाइन्टी सेवन पे राइट right? और यहाँ पे आपको करेक्ट डॉट फिफ्टीन पॉइंट फाइव नाइन्टी सेवन नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे दिखेगा एक थोड़ा बहुत लाइक डिफरेंस दे हुए एक तो हंड्रेड रुपीज़ का डिफरेंट होगा टू हंड्रेड का होगा या फिर फिफ्टी फिफ्टी रुपीज़ का या ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का राइट तो ऐसे डिफरेंस रहता है यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन डॉट प्राइस नहीं है हमें एक रिंग करना है अब ये फ़िफ्टीन थाउजेंड फाइव नाइन्टी सेवन किस में आएगा एक तो आप फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड यहाँ पर कर सकते हो या फिर फिफ्टीन फाइव फिफ्टी ये थोड़ा सा इन द मनी में आएगा ठीक है आप जितना आप इन द मनी में जाओगे उतना आपको प्रीमियम यहाँ पे पे करना पड़ेगा ओके तो ये हो गया हमारा एट द मनी जिस स्ट्राइक प्राइस पे जोन में हमारा निफ्टी चल रहा है वो हमारा एट द मनी होता है और जो है, ये जो कलर्ड पार्ट है ठीक है ये जो कलर्ड जोन है इतना ये हो गया हमारा इन द मनी के कॉल्स जित और पुट साइड में भी आपको नीचे कलर्ड वाला सेक्शन दिखाई दे रहा होगा ये जोन ये भी है हमारा इन द मनी सिंपल जो कलर्ड है वो इन द मनी है और जो वाइट में दिख रहा है आपको वो आउट ऑफ द मनी है तो आप सोच रहे हो अब ये अपोजिट कैसे राइट right? ये अपोजिट है इन द मनी इन द मनी के एंड आउट ऑफ द मनी आउट ऑफ द मनी के राइट right? तो यहाँ पे कैसे होता है अगर प्राइस बढ़ रही है फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी की प्राइस बढ़ रही है तो क्या होगा निफ्टी फिफ्टीन uh, थाउजेंड से सिक्सटीन थाउजेंड जाएगा या फिर सिक्सटीन थाउजेंड से सेवेंटीन थाउजेंड पर भी जा सकता है राइट प्राइस बढ़ रही है तो यहाँ पे आपको दिखेगी प्राइस कौन से साइड में बढ़ रही है नीचे फिफ्टीन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड सेवेंटीन थाउजेंड राइट प्राइस बढ़ रही है तो ये प्राइस अब तक आई है क्या मार्केट निफ्टी अभी तक के वहाँ पर रीच किया है क्या निफ्टी ने नहीं राइट इन फ्यूचर होगा मे बी नहीं भी होगा राइट right? तो जो प्राइस पे निफ्टी अब तक आई ही नहीं है हम एक टारगेट सेट कर रहे हैं या फिर फोरकास्ट कर रहे हैं राइट right? तो वो हो गए हमारे आउट ऑफ द मनी जहाँ पे निफ्टी अब तक पहुँची ही नहीं है राइट right? और जिस प्राइस से निफ्टी जा चुकी है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए फोर्टीन थाउजेंड का ये यहाँ पे है एक फिफ्टीन थाउजेंड का भी दिखेगा राइट तो निफ्टी फिफ्टीन थाउजेंड पर आ चुकी थी फोर्टीन थाउजेंड से बढ़ के फिफ्टीन थाउजेंड गई फ़िफ्टीन थाउजेंड से बढ़ के अभी फिफ्टीन थाउजेंड फाइव नाइन्टी सेवन पर चल रही है राइट तो जिस प्राइस से निफ्टी जा चुकी है आ चुकी है उससे हम बोलेंगे इन द मनी ओके तो जब मार्केट बढ़ रहा है जब मार्केट बुलिश है रैक? तो बुलिश में क्या होगा नीचे से प्राइस बढ़ के ऊपर जाएगी राइट तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है करंट प्राइस चल रही है करंट मार्केट प्राइस तो उसके नीचे के जो प्राइस है करंट मार्केट प्राइस के नीचे तो ऑब्वियसली निफ्टी वहाँ से जा चुकी है तो वो जो नीचे की प्राइस आएगी जिस प्राइस से जा चुकी है वो हमारा इन द मनी एंड जिस पे हमारा टारगेट है जो प्राइस आने की है वो आउट ऑफ द मनी सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड में क्या होगा हायर तो प्राइस है हायर प्राइस से प्राइस नीचे गिरेगी लोअर प्राइस पे राइट right? तो इसमें टारगेट क्या रहेगा हमारा जिस प्राइस पर अभी तक पहुँची नहीं है डाउन ट्रेंड में राइट अप ट्रेंड में तो प्राइस ठीक है अब जाती जाएगी और ऊपर के प्राइस से लेक करेगी बट डाउन ट्रेंड में क्या होगा प्राइस ऊपर से नीचे आएगी कौन से नीचे के लेवल में जहाँ तक अभी तक प्राइस जहाँ पे पहुँची नहीं है डाउन ट्रेंड में राइट right? तो इसमें क्या होगा इन द मनी कौन से सेक्शन में आएगा पुट साइड में आप देख सक हो कि जो हायर प्राइस है जो हायर प्राइस है अभी निफ्टी आ, सिक्स हंड्रेड पर पहुंची भी नहीं है बट वो जो स्ट्राइक प्राइस है पुट सेक्शन में वो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस, है राइट और जो जो करंट मार्केट प्राइस से नीचे है फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ये आउट ऑफ द मनी वाले हैं राइट right? क्योंकि डाउन ट्रेंड में हम क्या हम टारगेट कहाँ रखेंगे डाउन ट्रेंड में हम टारगेट रखेंगे नीचे ताकि हमें प्रॉफिट हो राइट right? डाउन ट्रेंड में अगर हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो हमारे टारगेट नीचे रहेंगे जैसे कि मैंने हंड्रेड से शॉर्ट सेल किया तो मैं कहाँ पे बेचूंगी फाइव फिफ्टी पे राइट प्रॉफिट मिलेगा अगर गिरेगा तो राइट तो इसमें भी वैसा ही होगा तो जब हंड्रेड uh, के ऊपर के जो प्राइस है वन टेन वन ट्वेंटी वो हो गया इन द मनी बट हैंड्रेड के नीचे जहाँ तक मैंने जहाँ तक प्राइस अभी तक पहुँची नहीं है फिफ्टी फिफ्टी तक पहुँचनी चाहिए जो अभी पहुँची नहीं है तो वो हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी ओके तो यस इन द मनी के कॉल्स जो है प्रीमियम जो है वो हाई रहते हैं आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम सस्ते रहते हैं ओके okay, कम प्राइस में हमें मिलते हैं राइट right? uh, ये हो गया एक डिफरेंस प्राइस डिफरेंस फिर हमने देख लिया प्रीमियम डिफरेंस राइट प्राइस में कैसा होता है एंड प्रीमियम में कैसा होता है uh, अब हम देखते हैं कि ये शिफ्ट कैसे राइट तो ये uh, इसमें आपको बहुत बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये परमानेंट रहता है क्या राइट जो प्राइस जो प्राइस इन द मनी में अभी दिखाई दे रही है आपको वो प्राइस हमेशा इन द मनी में रहेगी या आउट ऑफ द मनी में भी जाएगी राइट कि आउट ऑफ द मनी में से कभी इन द मनी में भी आएगी राइट तो यहाँ पे जो हमारा मार्केट प्राइस चालू है वो वो प्राइस हमेशा ए टी एम पर रहेगा अगर आप कल ऑप्शन फिन में ट्रेड करना चाहते हो तो कल की जो करंट मार्केट प्राइस जो रहेगी वो प्राइस का रेंज जो भी है स्ट्राइक प्राइस वो आपको कल एट द मनी पे दिखाई देगी राइट ये चेंज होते रहता है ये स्टेबल नहीं होता है कि जो कॉल्स आपको अभी आउट ऑफ द मनी में दिख रहे हैं वो आउट ऑफ द मनी में ही रहेंगे ऐसा नहीं वो चेंज हो सकता है वो कभी इन द मनी में भी जा सकते हैं राइट या फिर कभी हिट भी नहीं हो सकते राइट दोनों भी पॉसिबिलिटी है तो ये हो गया हमारा इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट ये सिर्फ स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड है राइट ईजी भी है एंड आपको कोई डाउट होगा और कुछ आपको मैं explain, अगर मैं एक्सप्लेन अगर आपको चाहिए कि मैं और कुछ एक्सप्लेन करूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं आपको आंसर करूँगी एंड uh, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक कीप लर्निंग एंड गुड बाय